स्वागत है मेरी सभी जनता मेरे YouTube चैनल HDMI ब्लॉग्स में। श्री शिवाय नमस्ते बन। दोस्तों आ गया हूँ सभी के लिए एक और न्यू स्पेशल ब्लॉग लेके। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अभी कथा चल रही है मैनपुर यूपी में, लेकिन फिलहाल मैनपुर यूपी के बाद जस्ट होने वाला है कथा हमारे छत्तीसगढ़ में। और जब ये कथा छत्तीसगढ़ में हुई थी तो छत्तीसगढ़ की करीब लाखों जनता पहुंच गई थी शिव महापुराण सुनने। लोगों तो यहीं पे होने वाला है शिव महापुराण का कथा 1 तारीख से। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, कैसे कैसे जाने हैं आपको कथा के डेस्टिनेशन तक हम लोग आपको बताएंगे हमारे चैनल के द्वारा। तो चैनल में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बढ़ते हैं और यहाँ से अभी हमको जाना है करीब 1.5 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे पुलिस थाना भी है, पुलिस चौकी बस स्टेशन के थोड़ा आगे ही है। तो ये है कथा पंडाल वाला रोड, यहाँ पे चलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग और साथ ही साथ यहाँ पे है गढ़कलेवा, छत्तीसगढ़ का गढ़कलेवा जो कि आप जानते होंगे, जहाँ पे मिलते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंजन अलग तरीके से। तो देखो इस साइड में बहुत बड़ा पार्क भी है और यहाँ पे फिलहाल अभी गढ़कलेवा है। देखते हैं 10 महिला संगठन से ये गढ़कलेवा खोले हैं। ये दुकान लदे खाली है मंडा। अच्छा, दोनों दुकान लदे। हाँ, गढ़कलेवा खोलने के लिए दुकान दिया है। दुकान दिया है, चल सकता है आपकी दुकान, क्योंकि यहाँ पे चल रहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा आप सुनने होंगे। हम लोग भी उसी के नाम से आए हैं कि यहाँ पे वीडियो बना सके और दिखा सके कहाँ चल रहे हैं। हमने यहाँ का एड्रेस क्या है आप बताइए जरा। गुरु घासीदास उद्यान। हाँ, यहाँ पे गुरु घासीदास उद्यान जो गार्डन यहाँ पे बनाया गया है, अगर आप इस रोड में आते हो तो अगर आपको ये गार्डन दिखे तो जरूर यहाँ से अंदर आइए मेन गेट से, और फिलहाल यहाँ पहुँच जाओगे आप लोग गढ़कलेवा में। सो गाइस अभी आ चुका है हमारा बड़ा, अब हम लोग खाते हैं यहाँ पे और दिखाता हूँ क्या टेस्ट है इसका। लग तो बढ़िया जो कर रहे हैं समूह की महिलाएं, वो निरंतर आगे बढ़ती रहे और ऐसे अपने इस बढ़ते चरण को लोगों में शेयर करें, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिव महापुराण के लिए स्पेशल पावन धरा पे होने वाली कथा पंडाल। बरसात से बचने के लिए यहाँ पे बना रहे गड्ढा, इस गड्ढा में बैठ जाना शनि भैया। बरसात से बचने के लिए गड्ढा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि अगर कहीं पे पानी ज़्यादा भरता है तो पानी इस नली के माध्यम से बह के यहाँ तक आ सके। तो कथा पंडाल का जो व्यास पीठ है वो मेरे से करीब होगा 50 मीटर की दूरी पे। आखिर ये जो कथा हो रही है ये हमारे छत्तीसगढ़ तिलदा न्योरा में हो रही है। लोगों के द्वारा मेहनत भी बहुत जोर शोर से चल रही है। हम तो छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 अगस्त से 7 अगस्त तिलदा नेवरा छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा, कांवर शिव महापुराण कथा होने वाली है। और इस कार्यक्रम को लेकर हम पिछले 1.5 महीने से लगातार तैयारियों को लेकर प्रयासरत हैं कि हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था, अच्छे से अच्छे पेयजल की व्यवस्था, अच्छे से अच्छे भंडारे की व्यवस्था और आवासीय व्यवस्था की हम व्यवस्था कर सकें। फिलहाल अभी यहाँ सेवा समिति अंकलों के द्वारा अभी हम लोग यहाँ पे सभी जहाँ पे भी जिस तरीके से सुविधा यहाँ पे देने वाली है जनता को, वो सभी का वीडियो अभी हम लोग कैप्चर करते हुए दिखा रहे हैं आप सभी को। सो गाइस फिलहाल अभी हमने कथा पंडाल का पूरा व्लॉग एकदम डिटेल में ले लिया है, ये तो आपको हमारे चैनल में मिल ही जाएगा, वीडियो भी आपने देख लिया होगा। अभी फिलहाल हम लोग वापस निकलते हैं अपने दुर्ग की ओर, शाम भी हो चुकी है, हमको ट्रेन भी पकड़ना है। यहाँ से अभी फिलहाल हम लोग आए तो थे और अभी हम भैया के साथ पहुंचने वाले हैं डायरेक्ट स्टेशन। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सुविधा मिली। और दोस्तों कथा पंडाल को नमन करते हुए अभी फिलहाल हम लोग करते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और चलते हैं वापस से अपने घर तरफ।